आचार्य ठाकुर कहा दास रघु पावा पां <laughs> मोरा भट

আনা পাশিব গঙ্গা গুনে নিধি কোথা গেলে পাবো सभ संगीरा संगे जेको लोबिला से संग न पाईया कांदे न रोता जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर <गणीव> प्रभु पा प्रभुप जय प्रभु नायों में शुभाद वर्मान आचार्य अष्टोत्र श्री श्री मजवाएंग रेस अभय चनार में भक्ति वेदान स्वामी श्री लप्रोपाद की जाए अनंत कोटी बैश ब्रेंद की जाए नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जाए प्रेम से गहो श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नेत्या आनंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादी गौर भक्त ब्रेंद की जाए श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन गंगा माई की यमुना माई की जाय देवी तुलसी महारानी की जयरिस्ट वृंद की जय ऑल ग्लोरिस्ट इज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरिस्ट द रिपोर्ट इज हरे कृष्ण ऑल टू श्री गुरु एंड गौरांगा ओम से ज्ञान जना शला कया चक्ष उन्मिलित ये न तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभिष्ठ सातम ये भूतले स्वयं रूप कदा मय दाकशाकू्य सिंधुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यांद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्ण तो आज दो महान आचार्यों के त्रुभाव दिवस है जी गोस्वामी और शिला जगदीश पंडित तो शिला जगदीश पंडित एक कृष्ण लीला में एक नर्तकी है और का नाम है चंद्रहास और या तो फिर उनको नाग पत्नी का भी अवतार बताया जाता है जो कालिया की जो पत्नियां थी नाग पत्नी उसमें से एक नाग पत्नी ही कौन है चंद्र चंद्रहास यानी कि चंद्रहास नहीं जो जगदीश पंडित जो थे वो कृष्ण लीला में थे तो जगदीश पंडित और महेश पंडित ये दो भाई थे और सीधा मायापुर में जगन्नाथ मिश्र के घर के बहुत नजदीक रहते थे बचपन में चेतने महाप्रभु यानी कि निमाए बाल अवस्था में एक दिन बहुत रोते रहे लगातार उनको रोना आ रहा था और रोना उनका बंद ही नहीं हो रहा था और ये संकेत वो दे रहे थे कि जगदीश पंडित के घर पे जाकर जब तक वो महाप्रसाद चावल नहीं ग्रहण कर लेते एकादशी का दिन था और जगदीश पंडित के घर जाके जब तक वो चावल महाप्रसाद नहीं ग्रहण कर लेते तब तक वो रोना बंद नहीं करेंगे और फिर उनको लेके गए कहाँ पे जगदीश पंडित के घर पे लेके गए और फिर उन्होंने महाप्रसाद ग्रहण किया और इससे उनका रोना बंद हो गया और जगन्नाथपुरी जब गए थे चेतने महाप्र जो जगदीश पंडित भी जगन्नाथपुरी गए थे और चेतन महाप्रु ने जगदीश पंडित को कहा था कि आप संकीर्तन का हरिनाम संकीर्तन का प्रसार वसार करिए और साथ में चेतन महाप्रभु की अनुमति से जगदीश पंडित नदिया लेके आए थे जगन्नाथ जी का विग्रह और यशोहरा नाम के गांव में उन्होंने जगन्नाथ जी के विग्रह की सेवा की थी तो ये बहुत संक्षेप में बता रहे समय बहुत कम है हमारे पास और क्योंकि साढ़े आठ बजे समाप्त करना है और आज श्रीलजीव गोस्वामी का तिरुभाव भी है छह गोस्वामियों में से एक है श्रीलजीव गोस्वामी तो श्रीलजीव गोस्वामी उम्र में सबसे छोटे थे इन गोस्वामियों में से और ब्रजलीला में ये विलास मंजरी है हर गोपी के एक प्रमुख सेविका है मंजरी है जो उनकी सेवा में लगी रहती हैं जैसे कि ललिता जी की सेवा में ललिता सखी की सेवा में रूप मंजरी सेवारत है उनके मुख्य सेविका है उसी तरह से विशाखा सखी के सेवा में रथ है विलास मंजरी ब्रजलीला में तो ये अष्ट मंजरियां है जैसे अष्ट सखिया है उस तरह से अष्ट मंजरियां भी प्रमुख सेविक सेविकाएं से हैं जो आठ गोपियों की सेवा में रथ है और विशेष रूप से ये मंजरियां श्रीमती राधाराणी की सेवा में रथ होती है तो आज शिलजी गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है शीलजी गोस्वामी जितने भी गौड़िया वैष्णव है उसके सबसे बड़े विद्वान वैष्णव आचार्य माने जाते हैं और शिलजी गोस्वामी ने लगभग चार लाख श्लोक लिखे हैं कविराज गोस्वामी ने भी लिए इसका प्रमाण दिया है लगभग चार लाख श्लोक उन्होंने लिखे हैं जो कि एक साधारण बात नहीं है श्रील व्यास व्याजी ने अठारह पुराण की रचना की है एक सौ आठ उपनिषद की रचना की है चार वेदों की रचना की है लेकिन इसमें बहुत सारा मिश्रण भी है कर्म का मिश्रण है ज्ञान का मिश्रण है और इसी कारण से नारा जी ने वेद व्यास को कहा था कि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का की भी विशुद्ध व्याख्या करिए लेकिन श्रीलजी गोस्वामी ने जो चार लाख श्लोक लिखे हैं वो सब भगवत तत्व से संबंधित है यानी कि भगवान की सेवा से संबंधित है भगवत तत्व से या जीव तत्व से या विशुद्ध तत्व से तो इन सब के बारे में व्याख्या की है शिल जी गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में तो शिलाजी गोस्वामी का जन्म हुआ था रामकेली में और चैतन्य महाप्रु जब पंद्रह में राम के लिए गए थे तो वहाँ पे शिलाजी गोस्वामी ने दर्शन प्राप्त किया था चेतन्य महाप्रभु का अनुपम गोस्वामी के सुपुत्र थे तो शिल गोस्वामी अनेक भाई थे उसमें जो प्रमुख जो वैश्य आचार्य हुए हैं कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे ये और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और उनसे छोटे थे अनुपम गोस्वामी जिनको वल्लभ भी कहा जाता है तो उनके पुत्र हुए शिलाजी गोस्वामी तो शिलाजी गोस्वामी का दर्शन प्राप्त हुआ था चेतन महाप्रभु का पंद्रह सो में तो लगभग तीन चार चार साल की उम्र होगी उस समय यानी कि पंद्रह सो ग्यारह में जन्म हुआ था शिलाजी गोस्वामी का तो उस समय बचपन में ही उनका रुझान था सेवा का भक्ति का और स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में वैराग था कृष्ण बलराम का विग्रह उनके पास था जिनके साथ वो खेलते थे खिलौने की तरह बच्चे तो खिलौने खेलते हैं खिलौने के साथ लेकिन शिलजी गोस्वामी जो है वो कृष्ण बलराम के विग्रह के साथ खेलते थे तो एक दिन जो है वो भाव वेश में आके जोर जोर से चिल्लाने लगे श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री, श्री कृष्ण चैतन्य बोले श्री कृष्ण चैतन्य वो तो भावावेश में आ गए थे और जमीन में लौटने लगे थे हम लोग तो नहीं भाव वेश में भी नहीं आ रहे बोल ही नहीं रहे पहली बात तो भावावेश में तो बाद में आएंगे नहीं तो एक बार बोल लीजिए कम से कम बोलने में कोई ठंड आपको ज्यादा नहीं लगेगी तो एक बार बोल लीजिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य थोड़े जोर से बोलिए खुल के बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य तो कुछ आनंद आया कि नहीं उस लेवल का भावेश तो नहीं प्रकट होने वाला है लेकिन कुछ उसका आभास भी हो जाए तो वो भी अपने आप में पर्याप्त है जैसे रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्ति रसाम में कि पांचांग भक्ति ऐसी है कि कनिष्ठ भक्त को भी उस भाव का आभास होता है और अगर भाव का आभास भी नहीं हो रहा है तो उसका मतलब निश्चित रूप से अपराध हो रहा है तो आभास तो होना चाहिए कम से कम यानी कि रिफ्लेक्शन तो उसका मिलना चाहिए उस संकीर्तन का उन नामों का उच्चारण का एक आभास होना चाहिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए होना चाहिए तो गोस्वामी श्री कृष्ण चैतन्य बोल रहे थे और भाव में जमीन पे लौटने लगे और उसी दिन रात को सपने में उनको दर्शन हुए किसके दर्शन हुए गौर गौरताय के दर्शन हुए और गौर गौनताय जो है कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने क्या किया शीलजी गोस्वामी के मस्तक पर अपने चरण रख दिए शिलजी गोस्वामी भाव वेश में आंखों में से अश्रु धारा बहने लगी और उन अश्रु धाराओं से उन्होंने उनके चरण धोए ये था शील जी गोस्वामी बचपन से ही भक्त है नहीं चिल शीला प्रभुपा जी भी यही कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं कृष्ण को भूला हूं तो नित्य सिद्ध जो होते हैं परिकर होते हैं उनका एक लक्षण यह होता है कि वो कभी कृष्ण को भूलते नहीं कभी नहीं भूलते हैं कृष्ण को भौतिक जगत में भी आते हैं तो कृष्ण को नहीं बोलते हैं तो जी गोस्वामी वो बचपन से ही जो है वो कृष्ण बलराम का स्मरण करते थे उनकी सेवा में थे और पूर्ण रूप से विरक्त थे वैराग जो है देखिए के जितने भी पार्षद हुए हैं महाप्रु भक्त वैराग्य प्रधान चेतन चरता में लिखा है कि महाप्रु के भक्त में क्या है वैराग की प्रधानता है वैराग कहां से आया भक्ति से आया हुआ वैराग्य चेतन महाप्रु के लिए उनका हृदय में जो प्रेम था शिलजी गोस्वामी का उस कारण से वैराग जो है स्वाभाविक था उनके लिए तो वैराग और ज्ञान स्वतः ही प्रकट हुआ था बचपन से ही बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत व्याकरण न्याय शास्त्र ये सब उन्होंने पहले से सी सीख लिया था और उसमें पारंगत थे दक्ष थे बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के शिलजी गोस्वामी जैसे शिल्पा जी बताते हैं दो महान विद्वान वैष्णव आचार्यों का नाम लेते हैं शिल जी हमेशा एक तो शिलजी गोस्वामी और इनके उनके अपने ही गुरुदेव शिल भक्ति सिद्धांत सिद्धांश् ठाकुर तो विद्वता इनमें थी स्वाभाविक रूप से विद्वता थी और जब 16-17 साल के हो गए तो उन्होंने विचार किया कि वो अब वृंदावन जाएंगे लेकिन उससे पहले वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के लिए वो नवदीप गए थे और नवदीप में जब शिवाज ठाकुर के घर पर पहुंचे तो पता चला कि वहां पर श्रीमान नित्यानंद प्रभु भी वहां पर आए हुए हैं और श्रीमान नित्यानंद प्रभु खड़दा से आए थे उस समय और उनकी मुलाकात हुई श्रीलजी गोस्वामी से या जी गोस्वामी मिले नित्यानंद प्रभु से और ठाकुर भक्तियों ने जो वर्णन किया है नवदीप धाम महात्मे में जिस परिक्रमा का वो उन्हीं के बीच में है एक तो परिक्रमा हुई थी श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज और किन को कौन लेके गए थे ईशान ठाकुर लेके गए थे नवदीप मंडल परिक्रमा में जिसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में आता है दूसरी परिक्रमा का वर्णन किस में आता है नवदीप धाम आते में जिसमें नित्यानंद प्रभु शिला जी गोस्वामी को लेके गए थे नवदीप मंडल परिक्रमा में तो नवधि मंडल परिक्रमा करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे महाप्रभु की लीला सलियों का तो दर्शन कर ही लिया है उनकी आदि लीला जो है यहाँ पे हुई थी नवदीप में घटित हुई थी अब मैं चाहता हूं कि जगन्नाथपुरी जाऊँ उनकी जो अंत्य लीला हुई है जगन्नाथपुरी में उसका भी दर्शन करूं नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं आप नीलाचल मत जाइए आप जाइए श्रीधाम वृंदावन वृंदावन में इंतजार कर रहे हैं आपके लिए रूप गोस्वामी और शिला सनातन गोस्वामी उनकी सेवा में जाके आप लगिए और उनकी सहायता करिए ग्रंथों के लेखन कार्य में लीला सलियों का पता लगाना लेकिन मुख्य रूप से आपकी सेवा रहेगी ग्रंथों का लेखन और ग्रंथों के संपादन में आप उनकी सेवा करिए उनकी सहायता करिए जाके विशेष रूप से रूप गोस्वामी की सेवा में लगी और इससे पहले आप लेकिन काशी जाइए और काशी जाके वहां पे आप आपको मिलेंगे मधुसूदन वाचस्पति मधुसूदन वाचस्पति जो है सार्वजन भट्टाचार्य के शिष्य थे और पहले तो सार्व भट्टाचार्य का प्रचार कर रहे थे लेकिन बाद में चेतन्य महाप्रभु ने उनको गौड़िया वैश्य बना दिया अब वेदान दर्शन के ऊपर वो गौड़िया वैश्य विचार प्रस्तुत करते थे तो मधुसूदन वाचस्पति का संपर्क उनसे था उनके शिष्य थे और बनारस में गए शिलजी गोस्वामी और उन्होंने मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत सूत्र के ऊपर वेदांत दर्शन के ऊपर जो है अध्ययन किया और बाद में कुछ ही समय में लगभग उन्नीस साल की उम्र में शीलजी गोस्वामी इतने प्रचलित हो गए इतने यशस्वी हो गए बनारस में और आज भी हम देखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट जो है डेडिकेट किया गया है शीलजी गोस्वामी के ग्रंथों के ऊपर शीलजी गोस्वामी के लिए एक डिपार्टमेंट पूरा दिया गया है पूरा डेडिकेट किया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो उन्नीस साल के थे उस समय तो उसके बाद फिर शिलजी गोस्वामी वृंदावन आ गए और वृंदावन में उनकी मुलाकात हुई शिला गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी से और इससे पहले भी प्रभदान ठाकुर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी काशेश्वर पंडित कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये सब भी लगे हुए थे इस सेवा में लीला सलियों का पता लगा रहे थे और रूप गोस्वामी इस सेवा में लगे हुए थे वो भी साथ साथ उनके साथ सेवा कर रहे थे तो जी गोस्वामी आप विशेष रूप से शिल रूप गोस्वामी की सेवा करने लगे और रूप गोस्वामी ग्रंथों का ग्रंथों की रचना करते शिल जी गोस्वामी उसका संपादन करते हैं ये उनको सेवा दी गई थी और साथ में विद्वान तो इतने बड़े विद्वान थे लेकिन उसके बावजूद भी विनम्रता का भाव प्रकट किया और रूप गोस्वामी के चरण सेवा में भी लगते थे और साथ में उनके कपड़े धोते थे और उनको पंखा करते थे और प्रसाद परोसते थे उनको और पानी भी भर के लेके आते थे हर प्रकार की सेवा वो करते थे विनम्र सेवा करते थे जी गोस्वामी तो इस तरह से रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न थे और एक दिन की बात है कि श्रीपाद वल्लभाचार्य आए थे रूप गोस्वामी से मिलने के लिए और रूप गोस्वामी उस भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ में दो हजार दो सौ उन्नीस श्लोक है लगभग और ये ग्रंथ जो है गौड़िया वैश्विक समाज में सबसे प्रचलित ग्रंथ है शिलक्रभुपा जी ने भी इसका जो है इसका सार प्रस्तुत किया है समरी स्टडी दिया है और इस ग्रंथ में एक श्लोक की रचना की थी उन्होंने भुक्ति मुक्ति स्प्र यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखद यात्रा कथम अभुदेव भवेत तो रूप गोस्वामी का यह कहना था कि जब तक भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रहेगी हृदय में तब तक सुख भक्ति का आनंद हमें नहीं प्राप्त होगा यानी कि इसको त्यागना पड़ेगा भुक्ति और मुक्ति की जो कामना है जैसे कृष्णदास का गोस्वामी ने भी यही बोला है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत तो ये सब काम है भुक्ति भी कामी है सिद्धि की इच्छा जो करते हैं वो भी कामी है नहीं मुक्ति की जो इच्छा करते हैं वो भी कामी है ये सब कामी है तो ये रूप गोस्वामी ने इस तरह से लिखा हुआ था श्रीपाद ने श्लोक देखा बड़ा अच्छा लिखा आपने ग्रंथ बहुत अच्छा ग्रंथ लिख रहे हैं आप क्या लिखा है श्लोक आपने भुक्ति मुक्ति यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख यात्रा कथम अभ्युदय भवेत तो वल्लभाचार्य ने कहा कि एक बात कहूं आप बुरा मत मानेगा इसके जगह अगर आप लिखते व्यापनौती हृदय यावत भुक्ति मुक्ति गृह यानी कि आपने यहां लिखा है मुक्ति और मुक्ति को पिशाची बता दिया है ये बात सही है कि मुक्ति और मुक्ति की कामना हमें नहीं करनी चाहिए और जब तक जब तक ये भुक्ति और मुक्ति रहेगी इसकी इच्छा रहेगी तब तक शुद्ध भक्ति नहीं प्रकट होगी ये बात सही लिखी है आपने लेकिन मुक्ति को आपने पिशाची क्यों कहा है यहां पे? यह समझ में नहीं आया तो श्री रु गोस्वामी इतने विनम्र थे गलती उनकी कोई नहीं थी नहीं यही तो विनम्रता है कि देखिए एक होता है कि गलती करने पर माफी मांग लेना और दूसरा होता है गलती ना होने पर माफी मांगना ये ये वास्तव में है इसके लिए क्या है बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और जब तक हृदय में भक्ति नहीं वास करेगी तब तक हम लोग इस प्रकार स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो रूप गोस्वामी बात की कि कोई गलती ही नहीं थी उसके बावजूद भी वो चुप रहे मौन व्रत धारण मौन धारण कर लिया उन्होंने एक शब्द नहीं बोला उन्होंने श्रीपाल वल्लभचार्य चेतन्य महापुरुष से भी वरिष्ठ थे उम्र में और चैतन्य महापुरुष से मिल चुके थे जगन्नाथपुरी में और बहुत वरिष्ठ वैष्णव ब्राह्मण थे और उनका अपना ही संप्रदाय था यानी विश्व संप्रदाय विश्व स्वामी संप्रदाय के थे और वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है तो बहुत उच्च कोटि के वैश्व ब्राह्मण थे रूप गोस्वामी अपने को छोटा मानते हुए उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इस प्रकार का वैश्व शिष्टाचार तो बहुत कम दिखाई देता है आज के समय में क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है तो समस्याएं बढ़ती जा रही है तो लेकिन जो भी है उसके बाद फिर श्रीपाल वल्लभाचार्य चले गए स्नान करने के लिए यमुना जी में और यमुना जी में स्नान करने के उपरांत उपरा शिलजी गोस्वामी जी गोस्वामी से बात नहीं सहन कर पाए हमारे गुरुदेव का अपमान हुआ शिलजी गोस्वामी नहीं जानते थे ये कौन है उस समय रू गोस्वामी जानते थे तो जी गोस्वामी पहुंच गए श्रीपाल वल्लाचार्य के पास उन्होंने कहा कि श्रीपाद एक बात कहूं आप बुरा मत मानेगा हमारे गुरुदेव ने कोई त्रुटि नहीं की है उनके लेखन कार्य में कोई दोष नहीं है उन्होंने तो भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छा है उसको पिशाजी कहा है भुक्ति मुक्ति को पिशाजी नहीं कहा है उन्होंने श्रीपाल वल्लभा ने सोचा अरे बहुत बड़ा विद्वान है तो मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था कि वहां पे स्प्रिया लिखा हुआ है शब्द स्त्रेह का मतलब इच्छा इस बात पर तो मैंने विचार ही नहीं किया अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया उनके चरणों में चलिए आइए फिर से जाके उनसे मिलते हैं तो शिलरूप गोस्वामी के पास आए उन्हें कहा श्रीपाल मुझे क्षमा करिएगा आपके इस लेख में कोई भी दोष नहीं है कोई भी त्रुटि नहीं है गलती मुझसे वही है मैंने जो है ये दोषारोपण किया आपके ऊपर मुझे क्षमा करिए आप आपने बिल्कुल ठीक लिखा है आपने तो मुक्ति और मुक्ति को थोड़ा पिशाजी कहा है उसकी इच्छा को पूछा है कहा है तो रूप गोस्वामी चुप रहे उन्होंने कहा कि इनको कैसे पता चला इनको किसने बताया तो जी गोस्वामी ने पूछा कि क्या हुआ उन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव वास्तव में हुआ क्या था कि मैं भी गया था यमुना जी करने के लिए उनसे मुलाकात हो गई और मैंने ही उनको बताया था कि आपने जो हमारे गुरुदेव ने कोई त्रुटि नहीं की है कोई दोष नहीं है उनके लेख में उन्होंने तो भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छा है उसको पिशाची कहा है और ये उनकी विनम्रता थी उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया आपने गलती को और इसीलिए वो, वो आए थे आपके पास उन्होंने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा किया आपने बहुत बढ़िया किया आपने, आपने वैश्वत सदाचार का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है भट्ट जी आए थे रूप गोस्वामी से भक्ति भक्तिर में लिखा है और प्रेम विलास ग्रंथ में भी लिखा है कि भट्ट जी आए थे उनकी दया है कि उन्होंने आके बहुत अच्छा सुझाव दिया था मुझे लेकिन तुम अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए नहीं तुमने जो है वैसा सचाचार का पालन नहीं किया शिष्टाचार का भंग किया है तुम्हें क्रोध आ गया है और तुम अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए निकल जाओ यहां से मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूं तुम्हें वृंदावन में रहने का कोई, कोई अधिकार नहीं है जब तुम क्रोध में अपने वशीभूत हो जाओगे क्रोध को वश में कर लोगे और तुम्हारे हृदय में वास्तविक वैराग उत्पन्न हो जाएगा तब तुम वापस आना नहीं तो वहीं रहो निकल जाओ वृदान से बाहर तो जी गोस्वामी बहुत दुखी हुए उन्होंने सोचा कि मैंने कौन बहुत बड़ा अपराध कर दिया जी गोस्वामी ने यह नहीं, नहीं कहा कि गुरुदेव से मेरी क्या गलती है नहीं मैंने तो जो है आपके लिए मैंने उनसे ये बात की थी ये तो मेरे शिष्य होने के नाते कर्तव्य बनता है इसलिए मैंने कहा था यह और आप मुझे ही डांट रहे हैं तो जी गोस्वामी ने ऐसा नहीं कहा अपने को दोषी मानते हुए जी गोस्वामी वहां से निकल गए और पश्चाताप करने लगे और नंद घाट के पास जाके रहने लगे वहां पर गुफा भी था वहां पर मकर मच आता था और वहां पर रहने लगे तो कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी आपको पता ही है सनातन गोस्वामी ब्रज की कई बार परिक्रमा करते थे लीला सलियों में जाते थे गिरराजी की परिक्रमा करते थे और कई घरों में जाते थे ब्रजवासियों के घरों में जाते थे तो एक ब्रजवासी के घर पे गए दरवाजा खटखटाया और वो ब्रजवासी महिला जो है बोले कि बाबा अरे मधुकरी के लिए आए हैं तो उन्हें कहा राधे श्याम राधे श्याम मधुकरी मधुकरी तो उन्हें कहा कि बाबा आप मधुकरी के लिए आए हैं उस बाबा के बारे में जानते हैं आप जो नंद घाट के पास है उस बाबा के बारे में बता है वो छोटे बाबा के बारे में वो तो अयाचक वृद्धि का है वो तो मधुकरी भी नहीं करता है जाके उसकी हालत देखो मर जाएगा वो तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये, ये कौन है तो सनातन गोस्वामी चल पड़े वहां देखा वहां जाके नंद घाट के नजदीक जब पहुंचे तो देखा शिलजी को सात बड़े से लेटे हुए हैं हड्डियां नजर आ रही है उनके शरीर में रुग्ण अवस्था में है बीमार से लग रहे हैं देखने में तो ये क्या हो गया अरे जीव तुम तुम यहां क्या कर रहे हो चलो चलो तरह से तुम्हारी तलाश कर रहे हैं हम उन्होंने कहा नहीं नहीं उन्होंने कहा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने वैष्णव शिष्टाचार का पालन नहीं किया मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझे शरीर छोड़ने दीजिए मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है सनातन तो गोस्वामी ने कहा नहीं आपको चलना होगा ये मेरी आज्ञा है तो उस समय शिलरु गोस्वामी कथा कर रहे थे सिवाकुंज में और कथा में श्री गोस्वामी के सामने आप जैसे विद्वान वैष्णव ब्राह्मण बैठे थे और श्री गोस्वामी ने कहा नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन यही छड़ी धर्म नहीं सुन सनातन चेतन महाप्रवन सनातन गोस्वामी को कहा कि धर्म के तीन श्रेष्ठ सम है नाम में रुचि उत्पन्न करना जीव आत्माएं जितनी भी हैं जीव के प्रति दया दिखाना और वैष्णव की सेवा करना तो कथा समाप्त हुई कथा में विराम देने के बाद श्री सनातन गोस्वामी श्री लघुस्वामी से आगे कहते हैं श्रीपाद एक बात बताइए आपकी कथा तो बड़ी अच्छी लगी सब वैष्णवों को और आपने कथा के दौरान यह बताया कि सना महाप्रभु ने मुझे तीन मूलभूत शिक्षाएं दी है कि वैष्णव की सेवा करना जीव के प्रति दया दिखाना और नाम में रुचि उत्पन्न करना बहुत अच्छी बात बताई आपने लेकिन आप क्या भूल गए कि आप, आपका अपना भी कोई जीव है उसके लिए दया कहां गई आपके लिए तो रघु गोस्वामी ने कहा कि वास्तव में मैं ग्रंथ लिख रहा था भक्ति रसाम सुन दो कई दिन से ग्रंथ लिख नहीं पा रहा हूं और जीव से कुछ अपराध हो गया था तो इसलिए मैंने उसको यहां से भेज दिया था कहा है जीव मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं ग्रंथ आगे लिख ही नहीं पा रहा हूं सनातन गोस्वामी ने कहा यही राहत आपका जीव रु गोस्वामी देखकर आंखों से आंसू बहने लगे सनातन गोस्वामी तो वैसे ही उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे रोने लग गए शील गोस्वामी क्या हुआ तुम्हें कहां थे इतने दिन तुम ोस्वामी ने जी गोस्वामी का स्वयं इलाज किया देखिए हमारे संप्रदाय में यह भाव रहता है हमारे गुरुजनों का वैश्य आचार्यों का वो स्वयं को गुरु नहीं सोचते हैं बल्कि अपने शिष्य को ही अपना गुरु मानते हैं नहीं तो सेवा का भाव देखिए कितना है रूप गोस्वामी ने देखा कि शीला जी गोस्वामी बहुत ज्यादा बीमार है और उनकी कोई सेवा नहीं करेगा तो रूप गोस्वामी ने स्वयं उनका इलाज किया और रूप गोस्वामी शीलजी गोस्वामी से प्रसन्न होकर उन्होंने एक विग्रह की रचना की और छोटा सा विग्रह है आज भी जयपुर में जाएंगे राधा दामोदर मंदिर है वहां पर त्रिपोलिया गेट के पास वहां पर राधा दामोदर जी का विग्रह है बहुत छोटा सा विग्रह है रू गोस्वामी ने अपने हाथ से बनाकर दिया था शीलाजी गोस्वामी को बहुत सुंदर विग्रह पंद्रह में मंदिर बना था ये जो सेवाकुंड में मंदिर है ये इसका जो निर्माण पंद्रह में हुआ था तो रू गोस्वामी ने प्रसन्न होकर शिलाजी गोस्वामी की सेवा से उनको बहुत सुंदर विग्रह बना के दिया राधा दामोदर जी का और राधा दामोदर की सेवा करते करते को गोस्वामी करदन करते रोते बाबा में आ जाते और एक दिन तो साक्षात दर्शन हो गए उनको राधा दामोदर जी के अच्छा है आपने तालियां नहीं बजाई इसकी आवश्यकता नहीं है इसकी आवश्यकता नहीं है तो राधा दामोदर का दर्शन किया बहुत आनंद आया शीलाजी गोस्वामी को भाबावेश तो पंद्रह में मंदिर बना था अब बारह तेरह साल के बाद क्या हुआ कई वैशा आचार्यों का तिरुभाव हो चुका था जैसे बता रहे हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रमोदानंद सरस्ती ठाकुर इन सब का तिरुभाव हो गया और जो लोकनाथ गोस्वामी बचे हुए थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी और ये सब जो वैश्यचार्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी ये भी वृद्ध हो चुके थे बहुत जल्द ही इनका भी त्रुभाव होने वाला था और अब आगे जिम्मेदारी किसके ऊपर शील गोस्वामी के ऊपर श्रीलरु गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी ने फैसला किया कि आने वाले समय के लिए पूरे गौड़िया वैष्णव समाज के आचार्य होंगे कौन श्रीलजी गोस्वामी पार हरी हरी आ, ये सही है अब हरी 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 हरि तो इस तरह से जिम्मेदारी दी जी गोस्वामी को और बहुत उत्साहपूर्वक जीव गोस्वामी ने जिम्मेदारी को स्वीकार किया सेवा के लिए कभी भी ये मना नहीं करते थे वैष्णव आचार्यगण ये बात ध्यान रखिएगा जिम्मेदारी जब भी दी जाती थी तत्काल ही स्वीकार करते थे दूसरा विचार नहीं करते थे तभी तो ये लोग आचार्य हैं है कि नहीं हाथ पांव हिलाते थे यानी कि सेवा का भाव था इनमें तो जी, 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 जी गोस्वामी के पास बड़े बड़े टीकाकार बड़े बड़े वैष्णव दिग्गज वैष्णव आते थे अपने ले लेखन ले कार्य का संपादन करवाने के लिए उसके ऊपर समीक्षा करवाने के लिए शिले जी गोस्वामी के पास आते और एक बार वो प्रमाणित कर देते तभी और अन्य उसको स्वीकार करते तो जी गोस्वामी जो है इतने उच्च कोटि के वैश्व आचार्य थे बड़े बड़े महान आचार्य उनके पास आते उनकी शरण लेते नरतम दास थे उनकी शरण लेने के लिए और यहां तक कि सबसे पहले बताया जाता है कि सबसे पहले वो श्री जी गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहते थे जी गोस्वामी ने कहा कि नहीं मैं दीक्षा नहीं देता हूं आप जाइए दीक्षा लीजिए श्री लोकनाथ गोस्वामी से उसके बाद फिर आए थे श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास आचार्य भी उनसे दीक्षा लेना चाहते थे और शिलजी गोस्वामी ने कहा कि नहीं मैं नहीं आप दीक्षा लीजिए किससे गोपाल भट्ट गोस्वामी से और फिर आए थे वहां पर कौन दुखी कृष्णदास जिनकी दीक्षा पहले हो चुकी थी हृदय चैतन्य प्रभु से और राधानी की विशेष कृपा हुई थी उनके ऊपर निधिमत सेवा कुंज में किसके ऊपर दुखी कृष्णदास प्रभु पर और शिलाजी गोस्वामी को उपाधि प्रदान की श्यामानंद प्रभु जी गोस्वामी कई वैष्णव आचार्यों को बाधि दी करते थे उपाधियां दिया करते थे उनका आदर सम्मान किया करते थे जैसे शिला कृष्णदास को कविराज गोस्वामी की उपाधि थी गोविंद दास को भी कविराज गोस्वामी की उपाधि थी नरोतम दास ठाकुर को नरोत्म दास को ठाकुर भाषा की उपाधि थी और श्रीनिवास को आचार्य प्रभु की उपाधि थी तो इन सबको उपाधियाँ दिया करते थे सम्मान देते थे उनको शिलाजी गोस्वामी ऐसे शिल प्रोपारी के गुरु महाराज शीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी अपने कई शिष्यों को बाधि देते थे सम्मान देते थे उनको तो इस तरह से शील जी गोस्वामी ने इन सबको बाधी दी और जी गोस्वामी के पास एक बार सूचना मिली अकबर उस समय आगरा में थे उनका किला था और अकबर शिलजी गोस्वामी ने लिखा है कि अकबर के राज्य में सभी वैष्णव जो है बड़े खुश है ये लिखा था और उन्हें 130 बीघा जमीन भी दिया था राधा दामोदर मंदिर के निर्माण के लिए अकबर ने दिया था उस और राजा मानसिंह ने भी लाल पत्थर दिए थे गोविंद देव जी के मंदिर के निर्माण के लिए देखिए उस समय के राजा इस तरह से होते थे आजकल तो मांगना मांगना पड़ता है बार बार दरवाजा खटखटाना पड़ता है और कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं देता है देने की बात तो दूर की बात है उस समय लोग देते थे खुद ही स्वभाव था उनका देने का स्वाभाविक रूप से देखते थे तो अकबर ने अकबर के दरबार में एक बार जो है एक वाद विवाद खड़ा हो गया था कि गंगा जी बड़ी है या यमुना जी बड़ी है तो उसके लिए उन्होंने निमंत्रण दिया जी गोस्वामी को आप आइए आगरा आइए इससे वाद विवाद होगा जी गोस्वामी ने कहा मैं वाद विवाद में नहीं पसता मुझे नहीं आना मैं ब्रत छोड़ के कहीं नहीं जाता हूं तो बा, जहां तक गंगा यमुना जी की बात है उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण देते हुए कहा कि उसमें कोई शंका नहीं है कि यमुना जी का स्थान जो है गंगा जी से कहीं बढ़कर है इस तरह से जी गोस्वामी ने प्रमाणित किया और जी गोस्वामी एक बार माता जानवा को भी लेके गए थे ब्रजमंडल की परिक्रमा में पंद्रह सो की बात है कि माता जानवी आई थी ब्रज में आई थी वृंदावन आई थी तो शिलजी गोस्वामी उनको ब्रज की परिक्रमा कराये थे और साथ में सनातन गोस्वामी के द्वारा जो लिखित बृहत भागवतामृत है उससे भी उन्होंने पढ़कर सुनाया और गोस्वामी ग्रंथों से भी उनको पढ़ सुनाया तो इस तरह से जी गोस्वामी की बात जैसे हमने बताया कि तीन महा महान आचार्य आए थे और इन महान आचार्य को जी गोस्वामी ने एक आज्ञा दी थी क्या आज्ञा दी थी कि ये जो ग्रंथ हमारे पास है इन ग्रंथों को लेके जाना है इसका वितरण करना है कहां पर और उड़ीसा उड़ी तो में आसाम बंगाल उड़ीसा में आप जाइए की कथा बताएंगे समय देखिए कब है यहां पर तो उसमें फिर साल में एक बार नरतन दास ठाकुर शिलाजी गोस्वामी को एक एनुअल रिपोर्ट देते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जानते हैं आप पिछली बार भी हमने चिट्ठी पढ़ के सुनाई थी दास ठाकुर ने शिलाजी गोस्वामी को को चिट्ठी लिखी है। बंगाली में लिखा है ताल के पत्ते पे और वो लिखते हैं कि कितने ग्रंथ बांटे हैं अभी तक हमने रिपोर्ट भेजते थे संकीर्तन का रिपोर्ट भेजते थे कि इतने ग्रंथ जो है वितरित हुए हैं तो ये परंपरा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फैमिली बिजनेस है बुरा मत मानेगा है कि नहीं ये नहीं की प्रभुपात ने शुरू किया है शुरू से चला आ रहा है शुरू से ही चला आ रहा है सबसे पहले भगवान ने स्वयं ने नारायण ने ब्रह्मा जी को जो है चतुर्थ श्लोक भागवत दिया था वही से जो है शुभारंभ हो चुका है इन ग्रंथों का और वेद व्यादी ने ग्रंथों की रचना की नहीं और गौड़िया वैश आचार्यों ने गोस्वामी ने इतने सारे ग्रंथों की रचना की ठाकुर भक्ति उन्होंने पूरे विश्व में ग्रंथों को भेजा हमारे परंपरा के आचार्य शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर इन्होंने ग्रंथों का प्रकाशन किया और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की मंदिरों के अंदर बताइए और इनोवेटिव हो गए शिल प्रभपा जी ने क्या किया उसको और यूनिवर्टी बना दिया विश्व की सारे अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद करा दिया देखिए तो प्रभुपा जी ने एलैबरेट कर दिया अपने परंपरा के आचार्यों की जो आज्ञा है उस आज्ञा को जो है एलैबरेटली उन्होंने प्रेजेंट कर दिया श्रील ने आज देखिए पूरे विश्व भर एक ग्रंथ ही ग्रंथ ये गोस्वामीगढ़ कितने प्रसन्न होंगे देखिए भक्तों से नहीं शिल भक्ति सिद्धांत बड़े प्रसन्न होते थे अगर कोई कुछ पत्रिका बांटने के लिए तैयार हो जाता था दैनिक दादिया प्रकाश वदी में बांटते थे दो या तीन प्रतियां तो प्रभुपा जी के गुरु महाराज कितने प्रसन्न होते थे आज तो सारे ग्रंथ आप लोग बांट रहे हैं आप लोग प्रभुपा जी की सेना में है, कितने प्रसन्न होंगे प्रभुपा जी आपसे इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं सच बता रहे इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम लोग हमने बताया था हर बार हम रिपीट करते हैं कि प्रभुपा जी ने कुकिंग कर दिया है भोग भी लगा दिया है और प्लेट में प्रसाद भी रख दिया है अगर आप बांट नहीं सकते हैं तो लानत है हमारे ऊपर है कि नहीं कुछ भी नहीं करना है आपको ना किताबें लिखनी है इन गोस्वामी को तो क्या करना पड़ता था संस्कृत विद्वान ढूंढने पड़ते थे ग्रंथों का नकल करना पड़ता था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थोड़ा थी कि रेखा सम्राट प्रिंटर्स को फोन कर रहे हैं एक लाख गीता भेज दो जी एक हफ्ते के अंदर और आ भी जाती है किताबें यहां पर ट्रक भर भर की किताबें आ रही है नहीं उस समय ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था उसके बावजूद भी ये मेहनत करते थे और उसको लिखवाते थे उसकी नकल करवाते थे फिर उसका वितरण वो लोग करते थे कितना टफ था देखिए कोई लॉजिस्टिक्स नहीं था कोई ट्रक नहीं था कोई बस नहीं था कोई कार नहीं था कोई साइकिल नहीं थी कुछ भी नहीं था पैदल ही जाना होता था नहीं हर जगह पैदल जाना पड़ता था ये बैलगाड़ी करते तो बहुत महंगा पड़ता था तो ये था देखिए उन लोगों का समर्पण था हमें क्या करना है केवल दोहराना है वही कार्य करना है वही सेवा करनी है जो कर गए हैं हमारे आचार्य कोई नया कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है अब तो और भी आसान हो गया किताबों में सब लिखा हुआ है किताबें छपी हुई है किताब लेके सड़क पर जाना है बस और उसमें कुछ हम कर जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत मान सोचते हैं कितनी खुशी की बात है किया कुछ नहीं हमने हमने केवल डाकिया का, का काम किया है किया कुछ भी नहीं है लेकिन हम सोचते हैं कि हमने इतने तो ग्रंथ बांट दिए इतने तो ग्रंथ बांट दिए तो ये विनम्रता का भाव इन वैष्णव आचार्यों में था एक छोटी सी घटना बता दें दो मिनट रह गए सिर्फ ये घटना है रूप सरस्वती जो है वो आए थे वृंदावन में आए थे बहुत बड़े विद्वान थे वो दिग्विजय थे और वो उन्होंने चुनौती दी थी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उन्होंने कहा अगर मैं इनको हरा देता हूं फिर तो कोई बचेगा नहीं कोई भी सामने नहीं आ सकता मेरे सामने तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने कहा समय बहुत खराब होगा हमारा इनको विजय पत्र ही तो दीजिए चाहिए दे दो लिख कर दे दो कि हम हार गए हैं बस रूप गोस्वामी लिख के दे दिया हम आपसे परास्त हुए आप दिग्विजय हैं आपकी जय हो जी गोस्वामी से नहीं किया समर्पित शिष्य होने के कारण जी गोस्वामी ने क्या चुनौती दी अभी हमसे बातचीत नहीं की आपने आगे कहा ऐसा नहीं कहा होगा लेकिन बता रहे हैं भाव था उनका कि कैसे हमारे गुरुदेव के पास कैसे चले गए तो जी गोस्वामी ने फिर उनको चुनौती दी और जी गोस्वामी के साथ वाद विवाद हुआ जी गोस्वामी उनको प्रयास किया और वृंदावन छोड़ के भाग गए दोबारा कभी नजर नहीं आया रूपनारायण सरस्वती वृंदावन धाम में और कई साहित वो लोग कहते हैं कि जी गोस्वामी को बड़ा अहंकार हो गया था ये हो गया था हो गया नहीं यहां पे आवश्यकता थी ये सब शिक्षा प्रद कथाएं हैं वल्लभ आचार्य के साथ जो घटना है वही शिक्षा प्रद कथा है और यहां जो घटना है वो भी शिक्षा प्रद कथा है ये सब हमारी शिक्षा के लिए है गुरुदेव का अपमान हो और गुरुदेव ना बोले तो उस समय शिष्य का कर्तव्य बनता है बोलना ये है कि तनाथ अभी सुनने चेहरे हो गया उस समय और एक घटना और बताई जाती है साहित्य लोग क्या कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब ग्रंथ लिखा चेतन चरतामित तो जी गोस्वामी बड़े दुखी हुए साहिदिया लोग ऐसा कहते हैं कि उनको लगा कि उनके यश के ऊपर हानि होगी उनका रेपुटेशन डाउन होगा क्योंकि अभी बहुत बड़े विद्वान हैं उनसे भी बड़ा विद्वान कोई आ गया है कृष्णदास कविज गोस्वामी ने ग्रंथ दिया चेतन चरतामित तो क्या किया उन्होंने जी गोस्वामी ने ग्रंथ उठाया उनसे उठा के कुएं में डाल दिया और बाद में मुकुंद नाम का कोई व्यक्ति था उससे जो है कुएं से उसके पास एक कॉपी पड़ी हुई थी तो उस कॉपी से जो आगे किताबें छपी हैं तो ये बोग के लोग कहते कर रहे हैं की आदि लीला में तात्पर्य में स्टोरी कर रहे हैं तीसरा बताया जाता है कि शिलेजी गोस्वामी ने पराकी रस को जो है इतना बढ़ावा नहीं दिया उसको इतना प्रामाणिक नहीं बताया स्वकिया भाव को जो है ज्यादा जोर दिया है उनके कई शिष्य जो है सकिया भाव में थे इस कारण से और वो चाहते नहीं थे कि साइजिया लोग जो है इस पराकिया रस का जो है दुरुपयोग करें और दासिया रखें अपने साथ पराकिया भाव का आस्वादन करने के लिए सो कॉल्ड तो इसलिए श्रीलो गुस, श्रीलजी गोस्वामी ने स्वयं कभी भी जो है डिस नहीं किया उन्होंने हमेशा प्रमाणित किया कि हाँ पराकिया रस भी सही है लेकिन उन्होंने जोर इस बात पर दिया स्वकीय भाव को समाज की जो है परिस्थिति को देखते हुए और इसके अलावा हम देखते बाद में श्रीलम विश्वनाथ ठाकुर जब आए थे तो उन्होंने तो बहुत बड़ी ही मात्रा में जो है इसको प्रकाशित किया था पराकिया रस के बारे में काफी विस्तृत व्याख्या की थी श्रीलम विश्वनाथ सिंह ठाकुर ने तो ये हमारी परंपरा है आप सबसे रिक्वेस्ट है इन ग्रंथों के वितरण में उत्साहित रहिए नहीं आलस आलसप दिखाइए ठंड की ठंड की चिंता मत करिए ठंड इतनी है नहीं आज नहीं आज वैसे नहीं है अब ठंड है नहीं ठंड है, है ही नहीं क्योंकि दिल्ली, दिल्ली के ऊपर बड़ी विशेष कृपा है दिल्ली वासियों की बड़ी कृपा है धुआं फैलाते रहते हैं इस कारण से ठंड कम हो गई है तो हमारे पास हमारे पास बहुत समय वैसे भी कम है और वैसे भी कम है आप सबसे रिक्वेस्ट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप लगे रहिए और पूरे जीवन भर में लगना है ये तो कुछ समय की बात है मैराथन के टाइम हम लोग उत्साहित कर रहे हैं आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि बस ये प्रार्थना हो जाए यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद तुरंत तो बाहर निकल जाए हम सब हरे कृष्ण मैराथन की जी गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की शिला जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की गौत महा प्रेमानंद